बीजेपी में केटीआर को कबूल नहीं करेंगे, किशन रेड्डी का बयान। किशन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के फर्जंद भी अगर बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो भी हम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने टीआरएस के चार अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फर्जंद केटीआर अगर जाफरानी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे तो भी हम इन्हें कबूल नहीं करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि हमें इन चार अरकान असेंबली की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो वो खुद उनसे बात करेंगे, मेरी पार्टी के सदर उनसे बात करेंगे। हमारे यहाँ इस काम के लिए एक कमेटी है जो उनसे बातचीत करेगी, मगर हकीकत यह है कि हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई स्वामी की भी ज़रूरत नहीं है जो 100 करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं, जबकि वो 100 रुपये के भी नहीं है। टीआरएस जिन चार अरकान असेंबली की बात कर रही है, इनमें से 3 अरकान कांग्रेस के निशान पर मुंतखब होकर हालिया दिनों टीआरएस में शामिल हुए हैं। केसीआर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि आप मौरूसी सियासत कर रहे हैं, आपकी हुकूमत करप्शन से इबारत है, टीआरएस में कोई मजमूरियत नहीं है। केसीआर जी आप ऑफिस नहीं आते हैं, आवाम से मुलाकात भी करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर के फर्जंद भी अगर बीजेपी में शामिल होना चाहेंगे तो हम इन्हें भी कबूल नहीं करेंगे।